सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोक लुभावने सपने दिखाने वाली चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेतृत्व करते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक कमला प्रसाद सिंह ने कहा कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में लगभग सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मौसम में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक आम मतदाता को आकर्षित करने के लिए आज के समय में ये सबसे अच्छा उपाय भी है। इस देश के सभी नागरिकों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि मुफ्त में दी गई कोई भी सुविधा देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गलत असर डालती है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य लंबित रह जाता है। देश में मुफ्त की कोई भी सुविधा देने से अर्थव्यवस्था की कमर भी टूटती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। एक आम मतदाता को इस बात पर विचार करना ही चाहिए कि अगर कोई पार्टी किसी भी तरह का लालच दे रही है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर सभी राजनीतिक पार्टियों की मुफ्तखोरी को त्याग कर खुद को स्वावलंबी बनाए, देशहित में ऐसी पार्टी को वोट दें जो देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए देश की स्थिति को सुदृढ़ करने में सदैव तत्पर रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रहलाद तिवारी, अनिल विश्वकर्मा, राजकुमार सिंह, विजय गुप्ता, राजेश सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। आज हम लोग मैदागिन चौराहे पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से सभी पार्टियों द्वारा आम जनता को लोक लुभावने वादे किए जाते हैं और तरह तरह के जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं कि चुनाव के जीतने के बाद मैं आम जनमानस के लिए यह करूंगा, उसको देखते हुए एक कार्यक्रम किए हैं और सभी जनता से अपील किए हैं कि वे ऐसे लोक लुभावने वादे पर न जाएं, अपने मन बुद्धि और विवेक से ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके देश का आपके शहर का विकास करे और रेवड़ियां बांटने वाले जो पार्टियां हैं उनसे दूर रहें। या तो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है और इस वादे से देश हित में यह कतई ठीक नहीं है।